नमस्कार मित्रों, दोस्तों आज एक छोटी सी दास्तान आपके साथ साझा करने आया हूँ। जिंदगी का सबसे अच्छा सबक कौन सा होता है? क्या ये सबक किसी किताब से मिलता है? क्या ये सबक किसी मंझे हुए अध्यापक से मिलता है? क्या ये सबक किसी बहुत बड़े कथाकार या विद्वान से मिलता है? जिंदगी के कुछ सबक ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही आम सा व्यक्ति हमें दे जाता है, और वो हमारी जिंदगी का धारा जो होता है उसे बदल देता है। आज की दास्तान भी कुछ ऐसी है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ऐसी कहानी जो जीवंत रूप से घटित हुई, जीती जागती कहानी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गरीब बस्ती, वहाँ पे एक खूबसूरत मुसलमान औरत रहती है। पहला शौहर उसे छोड़ चुका है, दूसरी शादी करवाती है। जिंदगी यहाँ भी उसके साथ मजाक करती है, और वो दूसरा शौहर भी जो है वो एकदम निकम्मा साबित होता है। गुर्बत घटने की बजाय बढ़ती जाती है। उस घर में उस औरत का एक बच्चा है जो अपने घर की गुर्बत को देखता है, उसका मन पसीजता है। घर में एक हफ्ते में 3 दिन चूल्हा जलता है, बच्चा भी भूखा रहता है, माँ भी भूखी रहती है। उस गरीब बस्ती के कुछ बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, उस बच्चे को ताना देते हैं जब वो स्कूल जाता है कि स्कूल पढ़कर कौन सी तुम्हें रोटी मिल जाएगी, तुम्हारे घर में तो खाने के लिए रोटी नहीं है, ये किताबें क्या तुझे खाना दे देंगी, रोटी दे देंगी? चाइल्ड साइकोलॉजी है, बच्चों का मनोविज्ञान है, बच्चे की सोच में बदलाव आता है। एक दिन बच्चा इतना निराश हो जाता है कि वो बच्चा अपनी सारी किताबें, अपना बैग फेंक देता है अपनी माँ के सामने कि कल से मैं स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा। सुबह होती है, बच्चा स्कूल जाने की बजाय मजदूरी करने के लिए निकलता है। जैसे ही वो घर की देहरी पार करता है, उसके कंधे पे उसकी माँ हाथ रखती है, कहती है कि तूने जाना है तो जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। कितने रुपए मिलेंगे शाम को तुम्हें? 3 रुपए मिलेंगे। लेकिन ज़रा इतना सोच, क्या ये 3 रुपए जिस घर में हम रहते हैं उसकी गुर्बत को, उसकी गरीबी को हटाने के लिए काफ़ी होंगे? क्या ये तेरे 3 रुपए तेरी ज़िंदगी की गुर्बत में उसको ख़त्म करने के लिए सहायक होंगे? क्या ये 3 रुपए जो आज तू कमाने के लिए निकला है, क्या ये तेरी सारी ज़िंदगी की गरीबी को ख़त्म करने की गारंटी देंगे? मेरे लाल, मेरे बच्चे, मैं हूँ, मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मैं अपने जिस्म की बोटी बोटी तेरा मुस्तकबिल, तेरा भविष्य बनाने के लिए दाव पर लगा दूंगी। मैं चाहती हूँ तू पढ़े लिखे, मैं हूँ ना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, जब तक मेरे शरीर में दम है मैं तेरी किताबों को अरेंज करूँगी, मैं तेरे स्कूल को अरेंज करूँगी, मैं तेरी रोटी को अरेंज करूँगी। बस इतना है, मेरी ख्वाहिश है कि तू पढ़ मेरे लाल। बच्चे के पांव पीछे आते हैं, माँ की बात उसके दिमाग में घर करती है, बच्चा स्कूल चला जाता है। और एक दिन यही बच्चा सिविल इंजीनियर बनता है। सिविल इंजीनियर ही नहीं बनता, ये बच्चा अपने कॉलेज का, जिस कॉलेज में ये पढ़ाता है, टीचर बनता है, वहाँ पर
इसे मंचन करने का शौक है, तो वहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ ये विद्यार्थियों के छोटे छोटे नाटक जो हैं उनका मंचन करता है। लगातार अपना जो इसका कर्तव्य है, जो इसकी सेवा है, जो इसकी कर्म भूमि है, उसमें बड़ी ईमानदारी के साथ चलता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ाता भी है, शाम की क्लासेस भी लेता है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाता है। लोकल ट्रेन नाम का एक नाटक लिखता है जो इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज कंपटीशन में पूरे बंबई में धूम मचा देता है। सौभाग्य से वो नाटक यूसुफ भाई देखते हैं, यूसुफ भाई मतलब दिलीप कुमार साहब देखते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। पता चलता है ये नाटक लिखा किसने, निर्देशित किसने किया, तो ये इस व्यक्ति से मिलते हैं, उसी गरीब माँ के बेटे से जिसने कभी बैग छोड़कर मजदूरी की राह ली थी। यहीं से सफ़र शुरू होता है और ये एक अध्यापक बहुत बढ़िया ये फिल्म लाइन में आ जाता है। दोस्तों कुछ फिल्मों के नाम ले रहा हूँ, अमिताभ की फिल्में हैं नसीब, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, शायद कोई भी अमिताभ की पिक्चर ऐसी नहीं होगी जिसमें अमिताभ के मशहूर बोले गए, प्रसिद्ध बोले गए संवाद जो थे वो इसने ना लिखे हों। कमाल का स्क्रीन राइटर था, कमाल का डायलॉग्स जो थे वो लिखता था, और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक बहुत अच्छा अभिनेता था, एक बहुत अच्छा खलनायक था, एक बहुत अच्छा कॉमेडियन था। 81 साल की उम्र में जब 350 फिल्में करके जिसमें से 250 फिल्मों में इसने संवाद लिखे, स्क्रीन राइटिंग की, तो इसने जो अपने आखिरी शब्द जो समर्पित किए वो अपनी माँ को किए। तो आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये बच्चा था कौन जो गुर्बत की देहरी से निकलकर मजदूरी की तरफ जा रहा था, गरीबी का चुनाव कर रहा था, अचानक उसकी सबसे अच्छी गुरु उसकी माँ हुई जो अनपढ़ थी, लेकिन उसने उसकी ज़िंदगी का धारा ही बदल दिया, और वही बच्चा जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम कर गया। जब वो स्क्रीन में किसी के सामने आया तो उसने लोगों को बहुत हंसाया, उसने लोगों को बहुत रुलाया, उसने लोगों के अंदर जो सिनेमाग्राफी होती है उसके बहुत से विभिन्न भाव पैदा किए हैं। तो आइए मिलते हैं कि आखिर ये शख्स था कौन, आज उसका जन्मदिन है। एक अध्यापक होने के नाते मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया है कि नहीं, एक ऐसा अध्यापक जो है वो सभी की नज़र में आना चाहिए। 350 फिल्में की हैं, 250 फिल्मों में स्क्रीन राइटिंग की है, संवाद लिखे हैं, और अमिताभ को तमीर करने वाला जो ये शख्स था, ये अध्यापक था, आखिर ये था कौन? तो आइए मिलते हैं आज उसके जन्मदिन के ऊपर, उसको एक बहुत ही प्यारी सी श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी अगर अच्छी लगे ये पूरी घटना जो मैंने बताई है सच्ची है, तो उसको एक नमन जरूर कीजिएगा, विश कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे कहिएगा, थैंक यू। तो चलो आओ मिलते हैं इससे।